तो जैसा कि आपने देखा था कि हमने क्लास में वेक्टर प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को समझ लिया था, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली थी, और फिर मैंने आप लोगों को वर्कशीट दी थी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेक्टर प्रोडक्ट। और आज ना मैं आप लोगों को उसी वर्कशीट का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। आप टॉपिक देख सकते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेक्टर प्रोडक्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्कशीट के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर वन, पहला सवाल, इफ ए एक वेक्टर है और बी दूसरा वेक्टर है, देन फाइंड ए क्रॉस बी। तो आपको ए क्रॉस बी निकालना है। देखिए, मैं यहां से शुरुआत करता हूं सॉल्यूशन की। हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और हमें ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी, और मैंने आपको ये सिखाया था कि इसको लिखने का तरीका इस तरीके से डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिखते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखते हैं आई कैप, उसके बाद लिखते हैं जे कैप, और उसके बाद के कैप। पहले कौन सा वेक्टर है? ए। तो ए के कंपोनेंट 3, 2, 1, तो आई के नीचे 3, उसके बाद जे के नीचे 2 और के नीचे 1। फिर बी के कंपोनेंट में 1 आई कैप, 2 जे कैप, 3 के कैप। तो यहां पर हो जाएगा 1, 2 एंड दिस इज 3। अब बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए जैसा मैंने क्लास में बताया था, बिल्कुल वैसे ही। चलिए एक बार करते हैं सॉल्व। आई कैप की जगह आई कैप, फिर मैंने कहा था ये वाली पूरी की पूरी लाइन और ये वाली लाइन को आप हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। उसके बाद 3 × 2 कितना आ जाएगा? 6। 2 × 1 ये कितना आ जाएगा? 2। और दोनों को क्या कर दीजिए? माइनस। उसके बाद अगला नंबर, दैट इज माइनस जे कैप। अब आप ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को रिमूव कर दो, हटा दो इसको। 3 × 3 कितना हो गया? दिस इज 9। और 1 × 1 कितना हो गया? 1। और बीच में आ जाएगा माइनस। फिर लास्ट में आप लिखेंगे प्लस, दिस इज के कैप एज इट इज, और ये हटा दीजिए। 2 × 3 6, और 2 × 1 is 2। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6 − 2। और हमेशा याद रखना है ये पहला एलिमेंट प्लस का, दूसरा माइनस का, और तीसरा फिर से प्लस का। अब आप इसे लिखेंगे आई कैप 6 − 2 is 4, माइनस जे कैप 9 − 1 is 8, और प्लस में के कैप एंड 6 − 2 is 4। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया, दिस इज 4 i cap − 8 j cap + 4 k cap। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट, ए क्रॉस बी। अब आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है प्रूव दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि दो वेक्टर्स अगर कभी भी एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट कितनी होती है? 0। अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो बस मैं इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट निकाल देता हूं। अगर वो 0 आया तो बोल देंगे पैरेलल, और अगर वो 0 नहीं आया तो बोलेंगे वो पैरेलल नहीं है। तो इसके लिए मैं यहां से शुरुआत करता हूं इस सवाल के सॉल्यूशन की। सबसे पहले मैंने लेट कर लिया पहले वेक्टर का, कुछ नाम रख देते हैं। चलिए इसका नाम रख देते हैं ए। ए वेक्टर इज इक्वल टू लिख दिया, दिस इज 2 i cap + 3 j cap + k cap। और दूसरा जो वेक्टर है मान लीजिए उसका नाम मैंने रख दिया बी, और बी वेक्टर को आप लिखेंगे दिस इज 6 i cap + 9 j cap + 3 k cap। तो ए और बी मैंने लेट कर लिया। अब अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए। चलिए पहले इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी के लिए मैंने अभी आपको बताया यहां लिखेंगे आई कैप, फिर जे कैप और फिर के कैप। पहले कौन सा वेक्टर है? ए। तो ए के कंपोनेंट लिखिए 2, 3 और यहां 1। तो यहां लिखेंगे 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 1। फिर बी वेक्टर दूसरा, इसके कंपोनेंट 6, 9 और 3। तो आप इसे लिखेंगे 6, उसके बाद 9 और उसके बाद 3। बस अब जैसे आपने इसको सॉल्व करना सीखा है वैसे कीजिए इसको। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा आई कैप। अब उसकी ये कॉलम और ये रो को हटा दीजिए। 3 × 3 9 और 9 × 1 is 9। तो आपका आंसर आ जाएगा 9 − 9, बीच में आ जाएगा माइनस एंड दिस इज जे कैप। अब ये वाली कॉलम और ये वाली रो हटा दीजिए। 3 × 2 6, तो इसे लिखेंगे 6 और 6 × 1 अगेन 6 और 6 − 6 एज इट इज। फिर अगला एलिमेंट लिखेंगे दैट इज के कैप। के कैप इसकी रो और कॉलम हटाइए। 9 × 2 18, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 18। उसके बाद 6 × 3 ये भी 18, तो माइनस में 18 एज इट इज। तो ये देखिए 9 − 9 दिस इज 0 i cap − 0 j cap प्लस 0 k cap, और इन सबको लिखेंगे तो आप इसी को बोलोगे 0 वेक्टर। तो यहां से हमें ये पता लगा कि जब हमने निकाला a क्रॉस b तो उसकी क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ रही है। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब a वेक्टर जो है वो b वेक्टर के कैसा है? पैरेलल। अब आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल, डिटरमिन अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। आपसे बोला है कि एक ऐसा वेक्टर ढूंढिए जो कि एक यूनिट वेक्टर हो और वो ए और बी दोनों के ही कैसा हो, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो देखिए सबसे पहले एक छोटे से लॉजिक पर बात करते हैं। मान लीजिए मैंने आपके सामने यहां पर दो वेक्टर्स ले लिए। ये रहा आपका पहला वेक्टर, इसका नाम रख दिया ए, और ये रहा आपका दूसरा वेक्टर, ये रहा दूसरा वेक्टर, इसका नाम रख दिया बी।
ये रहा दूसरा वेक्टर, तो ये रहे आपके पास दो वेक्टर्स, इनमें से एक का नाम है ए और दूसरा जो वेक्टर है उसका नाम बी, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है मान लेते हैं वो एंगल कितना है थीटा। अब आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए, वो भी ऐसा यूनिट वेक्टर जो ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर। तो मैंने ये चीज़ क्लास में आपको पढ़ाई थी और बताई थी कि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो दो वेक्टर्स का, यानी कि ए क्रॉस बी, तो हमेशा आपको एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है, या यूं कहिए कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में ए भी होता है और बी भी। जैसे मैंने आपको इसकी डायरेक्शन निकालना सिखाया था, मैंने कहा था जब भी डायरेक्शन निकाल ली हो आप ऐसा मान के चलिए कि आपको ए से बी की तरफ जाना है, आप अपने हाथ को ओपन कीजिए राइट हैंड को और इसमें एक रूल लगाइए राइट हैंड थंब रूल। ये रूल ये कहता है कि आपको अपनी उंगलियों को ए की तरफ रखना है और उसके बाद उंगलियों को बी की ओर घुमाना है ताकि आप ए से बी की ओर जा सकें, और ऐसा करने से अंगूठा जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही होगी इसके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। इसका मतलब अंगूठा बाहर की ओर आ रहा है, इसका मतलब है ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जो ए के भी परपेंडिकुलर है और जो बी के भी कैसा है परपेंडिकुलर। तो चलिए एक काम करते हैं, मैं इसके सॉल्यूशन में ना यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि ऐसा जो वेक्टर है जो दोनों के परपेंडिकुलर है वो कौन है सी, और ये सी वेक्टर मुझे मिलेगा कैसे जब मैं ए और बी दोनों की क्या लूंगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो सी वेक्टर की जगह रहने देते सी वेक्टर एज इट इज। अब मुझे ए क्रॉस बी निकालना है तो मुझे उसका तरीका पता है आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज के कैप। उसके बाद सबसे पहले ए वेक्टर है, इसके एलिमेंट कौन कौन से, कॉम्पोनेंट 2, 1, 1, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, और बी के लिए 1, -1, 2, तो आप इसे लिखेंगे दिस इज 1, दिस इज -1 एंड दिस इज 2। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं और इसको निकालते हैं जरा। आई कैप ये और ये कैंसिल, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, -1 और 1 ये हो गया -1, लेकिन इन दोनों को माइनस करना है तो बीच में माइनस, फिर आ जाएगा माइनस दिस इज जे कैप। अब ये और ये कैंसिल, 2 × 2 कितना हो गया 4 और 1 × 1 कितना हो गया 1 और बीच में आ गया -1 और फिर यहां पर आ गया प्लस के कैप। अब ये और ये कैंसिल, 2 × 1 इज दिस इज -2 और 1 × 1 इज दिस इज -1, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 + 1 ये कितना हो गया दिस इज 3i कैप। उसके बाद 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो गया -3j कैप। उसके बाद -2 और -1 ये आ गया -3k कैप। तो ये मेरे पास एक ऐसा वेक्टर आ गया जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। लेकिन हमें ऐसा वेक्टर नहीं चाहिए, ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए। तो भाई सी ऐसा वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, लेकिन हमें वेक्टर नहीं एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो चलिए सी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं, और वो निकालना बड़ा ही आसान है। मैंने आपको क्लास में ये चीज़ सिखाई थी कि अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, सी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिए डिवाइड, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो सी वेक्टर आपके सामने ये रहा, आप इसे लिखेंगे दिस इज 3i कैप, -3j कैप और फिर -3k कैप, और मैग्नीट्यूड निकालना सबको ही सिखाया गया है, सभी कॉम्पोनेंट का स्क्वायर कर दीजिए 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर और ऐड करके उसका स्क्वायर रूट ले लो, ये मैग्नीट्यूड होता है। ऊपर से 3 आ जाएगा कॉमन, तो आपके पास बचेगा आई कैप, -j कैप, -k कैप एज इट इज, और 3 का स्क्वायर 9 + 9 + 9 दिस इज 27 और इसका स्क्वायर रूट। तो यही मेरा आंसर है, लेकिन अब इसके आगे मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर देता हूँ। 3 की जगह 3 यहाँ पर आ जाएगा आई कैप, -j कैप, -k कैप और नीचे 27 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दिस इज 3√3, 3 से 3 कैंसिल एंड द फाइनल आंसर इज आई कैप, -j कैप, -k कैप अपॉन √3। तो ये रहा आपका रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर जो ए और बी दोनों के कैसा है परपेंडिकुलर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, चौथा सवाल। If A vector is 2i cap, 3j cap, 1k cap and B vector is 3i cap, 2j cap, 4k cap, then find the value of A plus B cross A minus B. तो भाई आपको A और B दोनों vectors दे रखे हैं और आपको A plus B cross A minus B की value निकालनी है। चलिए शुरुआत करते हैं, यहाँ से solution करते हैं इसका। अब देखो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो पहले A plus B निकाल लो और a माइनस बी निकाल लो और फिर दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, या फिर एक काम करो पहले इनको प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो फिर फाइनल रिजल्ट निकालो, जैसे ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। चलिए मैं पहले इनकी प्रोडक्ट निकाल देता हूँ, a वेक्टर प्लस b वेक्टर एज इट इज, उसके बाद क्रॉस में दिस इज a वेक्टर और फिर माइनस में b वेक्टर एज इट इज। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, a को पहले a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आप इसे लिखेंगे a क्रॉस a, फिर आप a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आपके पास आ जाएगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर,
फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे बी को ए से, तो आपको लिखना पड़ेगा प्लस में दिस इज बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एज इट इज। फिर आप करेंगे बी को बी से मल्टीप्लाई, तो यहां पर आ जाएगा माइनस में बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एज इट इज। सबको मैंने ये चीज बताई थी क्लास के अंदर कि ए क्रॉस ए कितना होता है, जीरो। बी क्रॉस बी भी कितना होगा, जीरो। सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो आती है, तो ये रहा जीरो। और ये दोनों बचेंगे, तो आप इसे लिखना चाहें तो यहाँ लिख दीजिए, ये जो ए क्रॉस बी के आगे नेगेटिव साइन है, तो मैंने कहा था जब भी आप ए क्रॉस बी को पलट के बी क्रॉस ए लिखोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी को मैंने पलट दिया और लिख दिया बी क्रॉस ए, एक ये रहा वेक्टर प्लस, और जो दूसरी वाली टर्म है वो भी कौन सी है, दिस इज बी क्रॉस ए एज इट इज। और जब ये दोनों के दोनों ऐड होंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बस इसे निकाल देते हैं, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए जरा कैसे निकालेंगे, टू की जगह टू। अब मुझे बी क्रॉस ए निकालना है, तो पहले लिखेंगे आई कैप, उसके बाद जे कैप, और उसके बाद लिखेंगे के कैप एज इट इज। पहला वेक्टर कौन है, बी, तो बी के कॉम्पोनेंट थ्री टू और फोर, तो आप इसे लिखेंगे थ्री, उसके बाद टू, और उसके बाद फोर। फिर ए वेक्टर के कॉम्पोनेंट टू थ्री वन, तो इसे लिख देते हैं टू, उसके बाद लिखते हैं थ्री, और उसके बाद वन। अगले स्टेप में टू की जगह टू, ये जो टू पहले से था वही वाला टू है ये। यहां से ब्रैकेट स्टार्ट। अब सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दैट इज आई कैप ब्रैकेट क्लोज, ये और ये कैंसिल। टू को वन से मल्टीप्लाई किया तो टू, और थ्री को फोर से मल्टीप्लाई किया तो ट्वेल्व, और दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब आ जाएगा माइनस जे कैप। अब ये और ये कैंसिल, थ्री को वन से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया थ्री, माइनस में टू को फोर से मल्टीप्लाई किया तो एट, तो ये आ जाएगा थ्री माइनस एट। फिर प्लस में आ जाएगा के कैप। अब ये और ये कैंसिल, थ्री इंटू थ्री नाइन, और टू इंटू टू फोर, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा नाइन माइनस फोर। तो आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टू ब्रैकेट टू माइनस ट्वेल्व, दिस इज टेन आई कैप, बीच में है माइनस, थ्री माइनस एट माइनस फाइव, और माइनस माइनस प्लस फाइव जे कैप, और नाइन माइनस फोर दिस इज फाइव के कैप। और फाइनली अगर मैं इस टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा माइनस का ट्वेंटी आई कैप, प्लस में टेन जे कैप, और प्लस में टेन के कैप। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट, दिस इज माइनस ट्वेंटी आई कैप, टेन जे कैप, प्लस में टेन के कैप। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दिस इज क्वेश्चन नंबर फाइव, पांचवा सवाल। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू निकालिए, फॉर विच, जिसके लिए द वैक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल, ताकि ये दोनों के दोनों वैक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। चलो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों वैक्टर्स को ना कुछ नाम दे देते हैं, एक का नाम रख लेते हैं पी और एक का नाम रख लेते हैं क्यू। तो मैंने यहाँ पर लिखा लेट, मान लीजिए एक वैक्टर है पी, तो पी वैक्टर ये रहा आपके सामने, दिस इज टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री के कैप, और जो दूसरा वेक्टर है इसका नाम हमने रख दिया क्यू, तो मान लीजिए ये रहा अगला वेक्टर, दिस वेक्टर इज क्यू, और क्यू की वैल्यू आप लिखेंगे दिस इज फोर आई कैप प्लस ए जे कैप और प्लस सिक्स के कैप। अब हमें बोला गया कि बताइए ए की वैल्यू क्या होगी, ये है भाई वो ए जिसे हमें निकालना है, ताकि ये दोनों वैक्टर एक दूसरे के पैरल। अच्छा हमें पता है दो वेक्टर तभी पैरेलल होंगे जब उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगी, या यूं कहो कि अगर दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रही है, मतलब वो क्या सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं। तो अब इन्होंने कहा है कि एक क्या लें ताकि ये दोनों पैरेलल हो जाएं। अच्छा अगर आप चाहते हैं एज, जैसा कि हम तो ये चाहते हैं कि पी और क्यू एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, और ऐसा तब हो पाएगा जब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट जो होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी, इस तरीके से। तो पी और क्यू की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो निकाल देते हैं, इक्वल टू जीरो रख देते हैं, ये रहा इक्वल टू जीरो। तो यहां पर लिख देते हैं आई कैप, उसके बाद जे कैप, और उसके बाद के कैप। तो पहले वेक्टर कौन है, पी, पी के कॉम्पोनेंट टू वन थ्री, तो मैंने इसको लिख दिया टू, उसके बाद वन, और उसके बाद थ्री। फिर क्यू के लिए फोर ए सिक्स, तो इसे लिख दिया फोर, इसे लिखा ए, और उसे लिख दिया सिक्स। अगले स्टेप में आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा आई कैप, ये और ये हटा दीजिए, सिक्स को वन से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा सिक्स, माइनस थ्री को ए से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ जाएगा थ्री ए, और बीच में आ जाएगा माइनस जे कैप ब्रैकेट क्लोज। अब ये और ये कैंसिल, सिक्स इंटू टू ट्वेल्व, तो आप इसे लिखेंगे दिस इज ट्वेल्व, और उसके बाद फोर इंटू थ्री दिस इज अगेन ट्वेल्व, तो माइनस में ट्वेल्व, और बीच में आ जाएगा प्लस, दिस इज के कैप ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये और ये कैंसिल, टू को ए से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा टू ए, और यहाँ फोर को वन से मल्टीप्लाई किया तो ये रहा माइनस का फोर, और इक्वल टू में आपके पास क्या आ जाएगा जीरो वेक्टर। अब आप इसे लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिक्स माइनस थ्री ए, और यहां पर आपके पास आ जाएगा आई कैप, माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व दिस इज जीरो जे कैप, और प्लस में ये आपके पास है टू ए माइनस में फोर, एंड दिस इज के कैप इक्वल टू जीरो वेक्टर। आप चाहो तो इस जीरो वेक्टर को लिख सकते हो जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप
प्लस जीरो के कैप। आप एक काम कीजिए, आई वाली टर्म आई के बराबर, जे वाली टर्म जे के बराबर और के वाली टर्म के बराबर कर दो। लेकिन मुझे सबको बराबर करने की जरूरत नहीं है भाई, मुझे सिर्फ ए चाहिए और वो एक भी कंपोनेंट इक्वल कर दूंगा तो भी हो जाएगा। यानी कि 6 - 3a इज इक्वल टू जीरो, यानी कि आप लिख सकते हैं कि -3a इज इक्वल टू -6, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब अगर a की वैल्यू 2 ली जाए तो ये दोनों वैक्टर एक दूसरे के पैरल हो जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6, छठा सवाल। फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। तो आपको बोला गया है ए और बी दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच का जो एंगल है उसका साइन कैलकुलेट करना है। मान लीजिए आपके पास इस तरीके का एक वेक्टर ये रहा, मान लेते हैं ये रहा पहला वेक्टर और ये रहा दूसरा वेक्टर, एक वेक्टर ए और ये दूसरा वेक्टर बी। इस वेक्टर को मैंने ए नाम दे दिया, इसका नाम रख दिया बी, और सपोज कर लीजिए इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा। और हमारा जो सवाल है वो हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, आपको साइन थीटा निकालना है। अब देखते हैं जरा ये साइन थीटा आप कैसे निकाल पाएंगे, सुनिए ध्यान से। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। आपका एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है और आपको साइन थीटा निकालना है। अच्छा, वैसे सब लोगों को मैंने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था और ए क्रॉस बी का फॉर्मूला बताया था, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू में साइन थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर एन कैप जो उसकी डायरेक्शन बताएगा। लेकिन ना अभी हम एक काम करते हैं, हम सिर्फ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। वो मैंने क्लास में पढ़ाया था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू में आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इनटू में आ जाता है साइन ऑफ थीटा। क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए यूनिट वेक्टर नहीं लिया जाएगा। अब आपको ये और ये तीन टर्म पता लग जाए तो आप आराम से साइन थीटा को कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए इन तीनों को निकालते हैं सबसे पहले, लेकिन आपको सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। चलो पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू में आप ए क्रॉस बी निकालेंगे तो यहां लिखेंगे आई कैप, उसके बाद जे कैप और उसके बाद के कैप एज इट इज। तो पहले आपके सामने कौन है, दिस इज ए वेक्टर। तो ए के कंपोनेंट क्या है, 3 - 4 - 5, तो मैंने इसको लिख दिया 3, उसके बाद -4 और उसके बाद 5। बी के कंपोनेंट क्या है, 1 - 1 - 1, तो ये रहा 1, उसके बाद -1 और उसके बाद 1। अब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे आई कैप ये और ये कैंसिल, 4 - 1 - -4, -1 - 5 - -5, और फिर इन दोनों को माइनस भी करना है, अब आ जाएगा बीच में माइनस जे कैप। अब ये और ये कैंसिल, 3 - 1 - 3, 1 - 5 - 5, और बीच में क्या डाल दीजिए माइनस, बीच में आ जाएगा प्लस, उसके बाद आ जाएगा जे कैप, सॉरी दिस इज नॉट जे कैप, दिस इज के कैप, फिर आ जाएगा आपके पास के कैप। अब ये और ये कैंसिल, 3 - -1, दिस इज -3, 1 - -4, दिस इज -4, लेकिन इन दोनों को माइनस करना है तो बीच में क्या डाल दिया माइनस। तो फाइनली मेरे पास ए क्रॉस बी आ गया, माइनस माइनस प्लस, 5 - 4 - 1, तो ये रहा आई कैप, 3 - 5 - 2 और -- प्लस एंड दिस इज +2 जे कैप, उसके बाद -- प्लस, 4 - 3 - 1, तो ये हो गया प्लस का के कैप। तो यहां पर मैंने कैलकुलेट कर लिया किस चीज को, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलो मुझे ए क्रॉस बी तो पता चल गया, लेकिन मुझे ए क्रॉस बी का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। चलिए पहले ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो आप लोगों को ये चीज अच्छे से पता है कि अगर आपको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो रूट लगा के सबका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए सारे कंपोनेंट का। आई के साथ कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर, जे के साथ क्या है 2 का स्क्वायर रखेंगे और फिर के साथ 1, 2 स्क्वायर 4 और 1 - 5 और 1 - 6, यानी कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, √6। इसी तरीके से अब मुझे मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा ए और बी का भी, तो चलिए यहां पर निकालते हैं। अगर मैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं तो इसे लिखूंगा √ ए के कंपोनेंट है 3 - 4 और 5, तो इसे लिखूंगा 3 का स्क्वायर, -4 का मतलब 4 का स्क्वायर और 5 के लिए 5 का स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हैं √ दिस इज 9, ये रहा, प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और प्लस में ये हो गया 25, 5 का स्क्वायर दिस इज 25, तो 16 और 9 25 और 25 और 25 इज 50, तो ये आपके पास आ गया √50 और 50 के रूट को आप क्या लिख सकते हैं 5 √2, तो ये हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड आ गया। ऐसे ही मुझे मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा बी का भी, तो बी मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करेंगे तो बी के कंपोनेंट है 1 - 1 और 1, तो ये रहा 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, तो आपका मैग्नीट्यूड आ गया √3। अब तुम्हें सब पता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा निकालना है। चलिए कलर चेंज करते हैं और अब निकालते हैं, देखना जरा ध्यान से कैसे निकलेगा।
आप यहाँ लिख सकते हैं एज, जैसा कि हमें ये पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में आ जाएगा साइन थीटा, और हमें यही साइन थीटा निकालना है। तो अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखा जाए तो वो तो रूट सिक्स है, तो ये लो जी रूट सिक्स लिख दिया। ए का मैग्नीट्यूड लिखा जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 5√2, तो ये रहा 5√2, और बी का मैग्नीट्यूड लिखा जाए दैट इज √3 एज इट इज, और यहां पर आ जाएगा इंटू में दिस इज साइन ऑफ थीटा। तो अब आप इसे लिख सकते हैं रूट सिक्स की जगह रूट सिक्स, 5 की जगह 5, √2 × √3 इज √6, और इंटू में आ जाएगा आपके पास साइन थीटा, √6 से √6 कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू में साइन थीटा। इट मीन्स कि आप यहां से साइन थीटा निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/5। तो ये रहा हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट। तो यहां से हम लोगों को पता लग गया कि साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, और ये कोई बड़ा सवाल नहीं था भाई, मुझे आपको समझाना था, एक एक स्टेप आराम आराम से करके बताया, इसलिए इतना वक्त लगा। वरना आप सोचिए ए क्रॉस बी निकालना आता है, ए क्रॉस बी निकालो उसका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इसमें रख दीजिए, सॉल्व कीजिए, आपको साइन थीटा पता चल जाएगा। अब हमसे पूछा ही साइन थीटा था तो मैंने साइन थीटा निकाल दिया, अगर थीटा पूछते तो सवाल के हिसाब से हम थीटा भी निकाल सकते थे। चलिए अब हम अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सातवां सवाल। अब देखिए सेवंथ क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा, यहां से शुरुआत करते हैं इसके सॉल्यूशन की। देखिए, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 7 एंड ए क्रॉस बी इज दिस, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब भाई देखो, हमारे सवाल में हमें एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है और वो मैग्नीट्यूड कितना है 2, दूसरा वेक्टर कौन सा है बी, उसका भी मैग्नीट्यूड हमें गिवन है और वो कितना है 7, और तीसरा जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना लिखा है 3i cap + 2j cap + 6k cap। तो ये हमें ए मैग्नीट्यूड पता है, बी पता है और ए क्रॉस बी पता है। हमसे बोला गया है व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है। चलिए वो जो एंगल है मैंने मान लिया वो थीटा है, यहां मान लेते हैं एक वेक्टर जो है वो आपके पास कौन सा वेक्टर है, दिस वेक्टर इज ए, और दूसरा वाला जो वेक्टर है उसका नाम रख दिया बी, और इनके बीच का जो एंगल है थीटा, मुझे वो थीटा निकालना है। अब देखिए तक थीटा निकालना है तो बड़ा सिंपल काम है, आप एक काम कर सकते हैं, एज जैसा कि आप जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड और इनटू में साइन थीटा, यूनिट वेक्टर आएगा लेकिन मैं यहां पर क्या ले रहा हूं इसका मैग्नीट्यूड बस। अब आप यहां से आराम से कैलकुलेशन करके ना इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए ए क्रॉस बी आपको पता है, पहले काम करते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो फिर मैग्नीट्यूड निकाल के अलग से लिखने के बजाय सीधा यहां मैग्नीट्यूड ही ले लेते हैं ए क्रॉस बी। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस में यहां पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में आप लिखेंगे 6 का स्क्वायर। ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है अंडर रूट। अब लिखेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और वो हम जानते ही हैं ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है 2, उसके बाद बी का मैग्नीट्यूड भी कितना है 7, और इनटू में यहां पर क्या आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। अब आप लिखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 36 प्लस 4 40, 3 का स्क्वायर 9 40 प्लस 9 इज 49, और 49 का रूट कितना होता है 7, तो आपके पास आ जाएगा 2 × 7 इंटू में आ जाएगा दिस इज साइन ऑफ थीटा, और यहां 7 से 7 कैंसिल, यानी कि 1 = आ जाएगा 2 sin थीटा। इट मीन्स दैट कि यहां से आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और साइन थीटा 1/2 तब होता है जब थीटा कितना होता है 30 डिग्री। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो ये देख सकते हैं बड़ा ही आसान सा सिंपल सा सवाल था, फॉर्मूला अप्लाई करो तुरंत रिजल्ट आ जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8, आठवां सवाल, इसे भी आप ध्यान से देखिएगा। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 18, ध्यान से देखना भाई, कह रहे एक वेक्टर ढूंढिए जिसका मैग्नीट्यूड 18 होना चाहिए, 18, व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर दिस एंड दिस, लेकिन वो वेक्टर इन दोनों गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। चलो देखते हैं, पहले एक काम करते हैं, जो दोनों गिवन वेक्टर्स हैं उनको मान लेते हैं, एक का नाम ए रख देते हैं एक का नाम बी। तो लेट कर लेते हैं एक वेक्टर आपके पास कौन है ए, ए वेक्टर उसे मान लेते हैं दिस इज 4i cap - 6j cap और फिर प्लस में 3k cap, तो इसे मैंने लिख दिया दिस इज 4i cap - j cap और फिर प्लस में दिस इज 3k cap, ये पहला वेक्टर है। और जो दूसरा वाला वेक्टर है उसका नाम रख देते हैं बी, -2 + 1 और -2, तो ये रहा -2i cap
फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस जे कैप और फिर माइनस में टू के कैप, तो एक वेक्टर ए और एक वेक्टर कौन सा हो गया बी। अब सुनो, आपको ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 18 यूनिट होना चाहिए और वो ना इन दोनों वेक्टर के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी आपको ऐसा वेक्टर ढूंढना हो जो दोनों के परपेंडिकुलर हो तो आप इनकी क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट आपको एक ऐसा वेक्टर जो देगा जो ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। आप सुनिए जरा ध्यान से, मैंने रूल बताया था, कौन से रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ये वेक्टर मान लीजिए कौन सा है ए, और ये रहा एक दूसरा वेक्टर, इसका नाम क्या रख दिया बी, इनके बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा। और मैंने बोला था अगर आप ए क्रॉस बी निकालते हैं इसकी डायरेक्शन तो आपको ए से बी की तरफ जाना पड़ेगा। उसके लिए आप रूल यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल, अपने सीधे हाथ को उठाइए और ए की डायरेक्शन में रखिए और यहां से उंगलियों को बी की ओर घुमाइए। अंगूठा कहां पॉइंट करेगा, बाहर, मतलब अंगूठा पॉइंट कर रहा है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में, मतलब अंगूठा एक ऐसे वेक्टर की डायरेक्शन में है जो ए और बी दोनों के ही कैसा है, परपेंडिकुलर। तो चलिए एक काम करते हैं, जो वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है मैंने उस वेक्टर को सी मान लिया और सी बराबर में लिख दिया दिस इज ए वेक्टर और क्रॉस में आ गया बी वेक्टर। तो सी वेक्टर की जगह सी वेक्टर, चलो पहले सी को निकालते हैं। तो उसे निकालना है तो यहाँ पर आई कैप, फिर यहाँ पर जे कैप और फिर यहाँ पर के कैप एज इट इज। पहले ए वेक्टर है तो ए के कॉम्पोनेंट 4 -1 3, तो ये रहा 4, फिर ये -1 और यहाँ पर आ गया 3। B के कॉम्पोनेंट -2, 1, -2, तो ये रहा -2, उसके बाद 1 और फिर से क्या आ जाएगा -2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। I कैप एज इट इज, ये और ये कैंसिल, -2 -1, तो ये हो गया +2। 1 × 3 ये आ जाएगा 3 और दोनों को क्या कर दिया माइनस। फिर आ जाएगा माइनस का J कैप, अब ये और ये कैंसिल, 4 × 2 कितना हो गया -8। -2 × 3 कितना हो गया -6, लेकिन दोनों को माइनस करना है इसलिए बीच में माइनस। फिर लास्ट में आप इसे लिखेंगे प्लस, दिस इज के कैप एज इट इज, अब ये और ये कैंसिल, 4 × 1 = 4, तो ये रहा 4 और -2 × -1 = +2 और दोनों को क्या कर दिया माइनस। तो फाइनली मेरे पास मेरा सी वेक्टर आ गया जिसमें 2 - 3 दिस इज माइनस आई कैप, -, -+ तो +6 हो गया और -8, तो -8 + 6 इज -2 और -2 और ये माइनस क्या हो जाएगा +2 एंड दिस इज जे कैप। उसके बाद आ जाएगा 4 - 2, तो ये आपके पास बचेगा +2 k कैप। तो ये लो जी सी वेक्टर मिल गया, एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर। लेकिन मुझे ऐसा वेक्टर चाहिए, मुझे चाहिए ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर भी हो और जिसका मैग्नीट्यूड भी 18 यूनिट हो। चलो एक काम करते हैं, सी ऐसा वेक्टर है जो ए और बी के परपेंडिकुलर है मगर इसका मैग्नीट्यूड 18 नहीं है, यकीन ना हो तो चेक कर सकते हैं निकाल के। हम एक काम करते हैं, पहले ना सी की ही डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालते हैं, या यूं मान लीजिए कि हम एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। चलो एक बार निकालते हैं, क्यों निकाल रहे हैं मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप इस बात को ध्यान दीजिए। वैसे जिन बच्चों ने डॉट प्रोडक्ट वाली क्लास ली थी उन्हें पता होगा मैंने क्या किया था इसके अंदर। फिलहाल के लिए चलिए हम सी का यूनिट वेक्टर निकालते हैं, तो सी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो सी वेक्टर आपके पास कितना है, माइनस आई कैप +2 j कैप, और फिर प्लस में 2 k कैप, और नीचे आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड और वो सबको पता है -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ 2 का स्क्वायर। तो फाइनली आप इसे लिखेंगे तो -i कैप + 2 k कैप और नीचे 2 का स्क्वायर 4 + 4 = 8, 8 + 1 = 9 और 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो ये रहा मेरे पास एक यूनिट वेक्टर। तो भाई ध्यान से सुनना, ये एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है और इसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना है 1। लेकिन हमें तो ऐसा वेक्टर नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 1 ना हो। कितना हो उसका मैग्नीट्यूड, 18 होना चाहिए। अच्छा अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है और आपको चाहिए ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 18 हो तो आप इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसे 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड 18 टाइम्स बढ़ जाएगा। अभी मैग्नीट्यूड 1 है, 18 टाइम्स बढ़ने के बाद भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 18। तो बस अब आप चाहे तो सीधा यहां लिख दीजिए रिक्वायर्ड वेक्टर, जो वेक्टर हमें चाहिए जिसकी हमें जरूरत है वो रिक्वायर्ड वेक्टर चाहिए, तो आप इस सी वेक्टर को, सी कैप को 18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 18 की जगह 18 और आपका सी कैप जो वेक्टर है वो ये रहा -i कैप + 2 j कैप + 2 k कैप और इसके नीचे की तरफ आप इसे लिखेंगे 3 और 3 से इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो -6 i कैप।
फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 2 दैट इज 12 जे कैप, और 6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया दिस इज अगेन 12 के कैप। तो ये रहा मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर। ये एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर भी है और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 18 यूनिट। तो आप ये देख सकते हैं। चलिए अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन। यहां से शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखो लिखा है प्रूफ कीजिए a डॉट b स्क्वायर a क्रॉस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल होगा a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और फिर b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। चलिए देखते हैं जरा कैसे प्रूफ होगा। हम LHS सॉल्व करते हैं, अपने आप ही क्या आ जाना चाहिए RHS। मैंने शुरुआत कर दिया LHS को, लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है a वेक्टर डॉट b वेक्टर इसका स्क्वायर प्लस, फिर यहां पर लिखा है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये मेरा LHS है। अच्छा मान लो मेरे पास ये जो दो वेक्टर्स हैं, मैंने ये रहा एक वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया और दूसरा वेक्टर ये रहा बी मान लिया, और मान लेते हैं इनके बीच का एंगल कौन है थीटा। तो अगर मैं आपसे बोलूं ए डॉट बी कितना है, तो आप इसे अगले स्टेप में लिख सकते हो सर ए डॉट बी का तो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ए मैग्नीट्यूड इंटू में बी मैग्नीट्यूड और इंटू में कॉस थीटा, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने भी स्क्वायर डाल दिया। फिर इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इसके आगे की बात करें तो a क्रॉस b अगर लिखेंगे तो a क्रॉस b का फॉर्मूला होता है a मैग्नीट्यूड इंटू में b मैग्नीट्यूड और इंटू में साइन थीटा, और साथ में यूनिट वेक्टर आता लेकिन इन्होंने खाली उसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो ये है इसका मैग्नीट्यूड और इसके ऊपर स्क्वायर है तो मैंने पूरे पे भी क्या डाल दिया स्क्वायर। इसके अगले स्टेप में आप लिखेंगे तो सबका स्क्वायर अलग अलग कर दो, तो मैंने इसको लिख दिया a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर b के लिए स्क्वायर और कॉस पे अलग स्क्वायर लगा दिया, तो ये रहा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ये स्क्वायर इन तीनों पे आ जाएगा तो ये रहा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर आ जाएगा बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और फिर इनटू में यहाँ पर आप लिखेंगे साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, तो मैंने इस चीज़ को लिख दिया दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। इस पूरे में मुझे ना ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये दोनों के दोनों कॉमन नजर आ रहे हैं, तो मेरे पास बचेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और सभी बच्चे जानते हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, और अगर मैं इसके साथ 1 रख दूं तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू में बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो मैंने शुरुआत की थी LHS से और ये मेरा रिजल्ट आ गया RHS। तो आप इसे ना एक रिजल्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जब जरूरत पड़े तो हम एज अ फॉर्मूला भी इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसके कुछ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, चलिए आ जाते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, अब मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखना सवाल में जो दिया है बस उतना यूज करते जाइए रिजल्ट आ जाएगा। आपसे बोला गया फाइंड ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, तो आपको ए क्रॉस बी इसका क्या निकालना है मैग्नीट्यूड निकालना है। गिवन है आपको क्या क्या, ए का मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी। अब एक बात सुनिए, एज जैसा कि अभी अभी तो हमने पढ़ा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, फिर प्लस में यहां पर आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू में ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और फिर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यही रिजल्ट अभी अभी हमने पढ़ा, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो आ जाएगा आंसर। भाई ए डॉट बी कितना है 12, तो मैंने इसको लिख दिया 12 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, बीच में आ गया प्लस। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ये मुझे निकालना है, तो एक काम करते हैं ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं। ए का मैग्नीट्यूड वो कितना है 10, तो ये रहा आपके सामने 10 का स्क्वायर। बी मैग्नीट्यूड कितना है 2, तो ये रहा आपके सामने 2 का स्क्वायर। तो आप इसे अगर लिखेंगे तो ए 12 का स्क्वायर 144 प्लस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर, और यहां 10 का स्क्वायर 100 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपके पास हो गया 400। तो अगर मैं इसे लिखूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा 400 माइनस 144, ये बराबर के उस साइड हो गया तो नेगेटिव हो गया ये, और ये रहा a क्रॉस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और जब 400 में से 144 माइनस करोगे तो बचेगा 256। स्क्वायर हटा के इस पे रूट लगा देते हैं तो आपके पास आ जाएगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर एज इट इज, और यहां पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 256, और 256 का स्क्वायर रूट कितना आता है 16, तो यही आंसर है। याद रखना यहाँ माइनस नहीं लगाओगे क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमेशा ही कैसा होता है पॉजिटिव। कई बार कई बच्चे सोचते हैं अच्छा स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस लगना चाहिए, प्लस माइनस आता है लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए सिर्फ आप पॉजिटिव साइन ही कंसिडर करेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी इसी पर बेस्ड बड़ा बेसिक सा सवाल है और बहुत ही आसान सा है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन की। ए डॉट बी हमें निकालना है, तो ये लिखा है मेरे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, हमें बस इसे कैलकुलेट करना है।
ए का मैग्नीट्यूड है 2, बी मैग्नीट्यूड है 5 और ए क्रॉस बी कितना दे रखा है 8। सेम फॉर्मूला अभी अभी जो हमने पढ़ा वही यूज कर लेते हैं। ये रहा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसका स्क्वायर, फिर बीच में आ गया प्लस। अब आपके पास आता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इक्वल टू में आप लिखेंगे वेक्टर ए का स्क्वायर और वेक्टर बी का दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब जो जो वैल्यूज पता है उसमें रखिए। अच्छा इसे तो कैलकुलेट करना है तो इसे तो मैं रहने देता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर एज इट इज प्लस ए क्रॉस बी इसका मैग्नीट्यूड हमें कितना रखा है 8, तो मैंने इसकी जगह पर सीधा क्या रख दिया 8 का स्क्वायर इक्वल टू में ए का मैग्नीट्यूड कितना है 2, तो मैंने इसको रख दिया 2 का स्क्वायर। बी मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो मैंने इसको लिख दिया दिस इज 5 का स्क्वायर। तो ए डॉट बी हमें कैलकुलेट करना है, रहने देते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया दिस इज 4। तो आप इसे लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इसका जो स्क्वायर है इक्वल टू में 4 इंटू 25 इज 100, 64 उधर चला गया तो माइनस का 64। तो आप इसे लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इस पूरे का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा दिस इज 36। और अगर आप देख रहे हैं ए डॉट बी निकाल रहे हैं तो आपने यहां से स्क्वायर हटा के उधर रूट लगा दिया तो अंडर रूट ऑफ 36 और यहां प्लस भी आएगा और माइनस भी, ऐसा आंसर आएगा प्लस माइनस 6। आप बोलोगे ऐसा क्यों सर, इसमें माइनस क्यों, क्योंकि अब की बार मैं ए डॉट बी की वैल्यू निकाल रहा हूं और यहां कोई इसका मैग्नीट्यूड वगैरह नहीं ले रहा, इसलिए ए डॉट बी कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव, इसलिए यहां प्लस और माइनस दोनों कंसिडर करेंगे। हाँ अगर मैं इस पर मॉड लगा देता मैग्नीट्यूड तो खाली आप प्लस का 6 बोलते इसका आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बड़ा आसान सा सवाल है और ध्यान से देखिएगा, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। शो कीजिए a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, इसका आंसर आएगा 2a क्रॉस b। अब एक काम करते हैं LHS सॉल्व करते हैं, अपने आप RHS आ जाएगा। सुनिए ध्यान से, यहां से मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड LHS। अब LHS में मेरे पास क्या लिखा है a वेक्टर, उसके बाद यहां पर लिखा दिस इज माइनस b वेक्टर एज इट इज और यहां क्रॉस में आ जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर। चलिए अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा a वेक्टर को a वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आप इसे लिख सकते हैं a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, फिर a वेक्टर को b से मल्टीप्लाई किया तो आप इसे लिख सकते हैं प्लस में a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, फिर b वेक्टर को a से मल्टीप्लाई किया तो आप इसे लिखेंगे माइनस का b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, फिर b वेक्टर को b से मल्टीप्लाई किया तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस का b वेक्टर और क्रॉस दिस इज अगेन b वेक्टर। अब आप लोगों को ये चीज पता है अच्छे से कि a क्रॉस a सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0, यहां पर भी सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0। तो आप अगर इसे लिखना स्टार्ट करें तो ये रहा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर एज इट इज, और मैंने आपको ये पढ़ाया है क्रॉस प्रोडक्ट में, मैंने ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर कभी भी a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर लिखा हो तो आप उसे b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर लिख सकते हैं, बस आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। और मैंने बोलता है ये याद रखना बड़ा आसान है, a क्रॉस b को पलट के b क्रॉस a लिख सकते हो, लेकिन जब भी आप इसे पलटोगे इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज, अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस। तो मैं भी वही कर रहा हूं, a क्रॉस b यहां लिखा है, ये जो b क्रॉस a इसे पलट देते हैं और ये क्या बन जाएगा a क्रॉस b, लेकिन मैंने कहा ऐसा करने से आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, आगे नेगेटिव था तो मैंने इसको क्या बना दिया पॉजिटिव। अब इन दोनों को देखना, दोनों सेम ही तो हैं, तो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b ये दोनों जुड़ जाएंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा 2a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, हमने शुरुआत किया था LHS से और ये रहा आपका फाइनल आंसर दैट इज RHS। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया 12th। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13th पर, ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, देखिए जरा, यहां से हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। कहा गया फॉर एनी थ्री वेक्टर्स, कोई भी तीन वेक्टर है ए बी और सी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, प्रूव दैट ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका टोटल सम जीरो आएगा। तो एक काम करते हैं भाई, LHS उठा लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, अपने आप ही जीरो यानी कि RHS आ जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं यहां से इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा रहा हूं LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है क्वेश्चन पहले वो नोट कर लेते हैं, ये मेरे सामने लिखा हुआ दिस इज ए वैक्टर क्रॉस दिस इज बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर, फिर बीच में है प्लस दिस इज बी वैक्टर क्रॉस, फिर यहां पर लिखा हुआ है सी वैक्टर प्लस ए वैक्टर, तो ये सी वैक्टर प्लस ए वैक्टर,
फिर बीच में आ गया प्लस सी वेक्टर क्रॉस, फिर लास्ट में आपके पास लिखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे इसे लिखना पड़ेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फिर बीच में है प्लस, ए को सी से मल्टीप्लाई करना है तो आपको इसे लिखना पड़ेगा ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। फिर आया प्लस, बी को सी से मल्टीप्लाई करना है तो आप इसे लिखेंगे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। फिर आया प्लस, बी को ए से मल्टीप्लाई करना है तो आपको इसे लिखना पड़ेगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एज इट इज। फिर आएगा प्लस, सी को ए से मल्टीप्लाई करना है तो इसे लिखेंगे सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। फिर आएगा प्लस, सी को बी से मल्टीप्लाई करना है, एक चीज गड़बड़ कर दी मैंने छोटी सी, यहां पे क्रॉस डाल दिया जबकि यहां पे प्लस आना चाहिए था, दिस इज प्लस। तो अब सी को ए से मल्टीप्लाई किया सी क्रॉस ए, और सी को बी से मल्टीप्लाई किया तो ये रहा सी क्रॉस बी एज इट इज। अब देखो भाई, मैंने अभी अभी जो बात बताई थी, मैं कलर चेंज कर रहा हूं और ध्यान से देखना सारी चीजों को। ए क्रॉस बी है, मैं इसे ए क्रॉस बी ही रहने देता हूं, ए क्रॉस बी एज इट इज। ए क्रॉस सी है, मैं इसे भी ए क्रॉस सी ही रहने देता हूं, ये रहा ए क्रॉस सी एज इट इज। बी क्रॉस सी को भी रहने देते हैं, बी क्रॉस सी। अब देखिए, मैंने आपको बताया था आप बी क्रॉस ए को पलट के ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं, बट आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, कर दिया चेंज साइन। सी क्रॉस ए को भी पलट करके आप क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस सी, मगर साइन चेंज करना पड़ेगा, कर दिया चेंज साइन। बी क्रॉस सी क्रॉस बी को पलट के क्या लिख सकते हैं, बी क्रॉस सी, मगर साइन चेंज करना पड़ेगा, तो यहां पर साइन चेंज कर दिया। अब आप देखिए, ये जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस सी है और बी क्रॉस सी है, ऐसे यहां ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी और ये बी क्रॉस सी, आप देख सकते हैं सभी सेम है, यानी कि प्लस का ए क्रॉस बी और माइनस ए क्रॉस बी कैंसिल, ए क्रॉस सी प्लस का, ए क्रॉस सी माइनस का कैंसिल, बी क्रॉस सी प्लस का, बी क्रॉस सी माइनस का कैंसिल। तो आपका रिजल्ट कितना आ गया, जीरो वेक्टर। हमने शुरुआत की थी एलएचएस से और ये रहा हमारा आरएचएस, तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। अब ये 14th क्वेश्चन को देखिएगा जरा ध्यान से, यहां से शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। देखिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, हमें तीन वेक्टर्स दे रखे। अब की बार आपको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर जो रिजल्ट आएगा फिर निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट विद सी वेक्टर। तो इसमें ना आपको दो नहीं तीन तीन वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर मान लो भाई मुझे निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और फिर ब्रैकेट है और फिर क्रॉस में सी वेक्टर, तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, फिर जो आएगा फिर उसकी प्रोडक्ट किसके साथ निकाल लेंगे, सी के साथ। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ए क्रॉस बी की। तो मैंने इसको लिख दिया, दिस इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, में आप इसे लिखेंगे आई कैप, ये रहा जे कैप और फिर लास्ट में लिखेंगे दिस इज के कैप। पहले ए वेक्टर है तो ए के कंपोनेंट है 1 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, तो ये रहा 1 माइनस 2 और यहां पर माइनस 3। बी वेक्टर के लिए 2 माइनस 1 माइनस 1, तो ये रहा 2 फिर माइनस 1 और फिर ये माइनस 1। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये और ये कैंसिल, माइनस वन इंटू माइनस टू दिस इज प्लस टू, माइनस वन इंटू माइनस थ्री दिस इज प्लस थ्री, और दोनों को क्या करना पड़ेगा माइनस, फिर आ जाएगा माइनस जे कैप। अब ये और ये कैंसिल, माइनस वन इंटू वन इज माइनस वन, टू इंटू थ्री इज सिक्स, वो भी कैसा माइनस का, और बीच में क्या रहेगा नेगेटिव साइन। फिर बीच में आ जाएगा आपके पास प्लस में के कैप ब्रैकेट क्लोज, ये और ये कैंसिल, माइनस वन इंटू वन इज माइनस वन, टू इंटू टू इज फोर, लेकिन कौन सा फोर, माइनस का फोर, और बीच में आ जाएगा माइनस। अब आप लिखेंगे 2 माइनस 3 इज माइनस 1 आई कैप, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 6 और माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 जे कैप। उसके बाद आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 3, तो यहां पर आ जाएगा प्लस का 3 के कैप। तो ये रहा मेरे पास ए क्रॉस बी वेक्टर। अब भाई जब ए क्रॉस बी आ गया तो अब आप लोगों को इसकी प्रोडक्ट सी के साथ चाहिए, तो अगला स्टेप हम यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इसे लिख देता हूं दिस इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी प्रोडक्ट निकालनी है सी के साथ क्रॉस सी वेक्टर, इक्वल टू में अब आप लिखेंगे आई कैप, फिर ये रहा जे कैप और लास्ट में के कैप एज इट इज। अब देखो ए प्लस बी, ये रहा ए प्लस बी, ये पूरा क्या है ए प्लस, सॉरी ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी का पहला कॉम्पोनेंट माइनस वन माइनस फाइव और थ्री, तो यहां लिख दिया माइनस वन फिर ये माइनस फाइव और यहां पर क्या लिख दिया थ्री, और सी वेक्टर जो है उसका कॉम्पोनेंट कौन है वन थ्री और माइनस टू, तो ये रहा वन उसके बाद थ्री और उसके बाद क्या लिखेंगे माइनस टू। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। चलिए देखते हैं जरा कैसे लिखेंगे। आई कैप एज इट इज, ये और ये कैंसिल,
माइनस फाइव और माइनस टू, ये कितना हो गया 10, 3 इंटू 3 ये कितना आ जाएगा 9, और बीच में आ जाएगा माइनस, फिर आ जाएगा माइनस जे कैप। अब ये और ये कैंसिल, माइनस टू और माइनस वन, दिस इज प्लस टू, वन और थ्री इंटू में थ्री, और बीच में आ जाएगा माइनस, फिर आ जाएगा प्लस का के कैप। अब ये और ये कैंसिल, थ्री इंटू माइनस वन इज माइनस थ्री, वन इंटू माइनस फाइव इज माइनस का फाइव, और इन्हें करना पड़ेगा माइनस। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा 10 माइनस वन दिस इज आई कैप, और 2 माइनस थ्री माइनस वन, और माइनस माइनस प्लस दिस इज जे कैप, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस फाइव माइनस थ्री, ये आपके पास कितना आ जाएगा 2 के कैप। तो ये आपके पास आंसर आ गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट, मतलब जब हमने निकाला ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर और फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकाली सी के साथ, तो हमारा आंसर आ गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो ये रही तीनों वैक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस तरह का सवाल अगर मिलेगा तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, लेकिन अब की बार आपको निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। याद रखना, इस बार आपके सामने लिखा है ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर और क्रॉस सी वेक्टर। इस बार क्या है, आपको पहले बी और सी की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी, उसके बाद जो वेक्टर आएगा उसकी प्रोडक्ट किसके साथ निकालनी है, ए के साथ। और याद रखना, आपको ए पहले रखना पड़ेगा और बी क्रॉस सी बाद में। तो आप इसे पहले कैलकुलेट कीजिए और बाद में इसे, और आप इसको खुद ही कर सकते हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है, आंसर आपके सामने ये रहा, ये मैच करना चाहिए। अच्छा, कोई भी बच्चा कन्फ्यूज मत होना भाई, मैं इसको बड़ा सा लिख देता हूँ। ये क्या है भाई, होमवर्क। कोई भी बच्चा ये मत सोचना कि ये पिछला वाला ही सवाल है। इसमें देखो ए और सी मैच कर रहे हैं लेकिन बी अलग है। बी देखो 2i कैप j कैप माइनस 1 के कैप, और पिछले वाले में क्या लिखा है 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, और यहां पर लिखा है 2i कैप प्लस j कैप और माइनस k कैप। तो दोनों अलग अलग है, सिर्फ शायद ए और सी सेम है और बी वैक्टर अलग है, इसलिए अलग है, आपको अलग से इसको करना पड़ेगा। तो अब ना आज आप लोगों के जो वेक्टर प्रोडक्ट के क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए, और सभी बच्चे इस वीडियो को ना पूरे का पूरा देखना और रजिस्टर में इसे कंप्लीट कर लेना, और एक बार अपने आप इसे लिख करके प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, फिर मिलता हूं अगली क्लास के अंदर।